अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से न्यू वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है, क्या तरीक़ेकार है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उसकी सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में आपके साथ शेयर होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, इसका मैं एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं, तो उसमें जो जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। तो आपको एप्लीकेशन भी फॉर्म बता दूंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन सिचुएशन वैकेंट्स हैं उसमें डायरेक्टर लॉ की है और सीनियर लॉ ऑफिसर की है। तो इसमें जो इनकी क्वालिफिकेशन और डिमांड है, जो जो भी है वो इसमें बताया गया है। जो डायरेक्टर लॉ के लिए है वो LLB या LLM के लिए है, और मिनिमम एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट 10 ईयर्स, ठीक है। पर्सनली कंटेस्टेड केसेज इन हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये आपकी जो हैं जॉब्स हैं वैकेंसीज हैं, और जिनका जो अरसा है वो 2 साल है, और इसमें मिनिमम जो एज की लिमिट है डायरेक्टर लॉ के लिए वो 35 से 50 साल की है। नंबर ऑफ पोस्ट वो हैं, डोमिसाइल जो है वो मेरिट की बुनियाद पे होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कराची लाहौर, और इसके अलावा और कहीं भी आपकी हो सकती है। बाकी इसके बाद है सीनियर लॉ ऑफिसर की है, उसकी जो उसकी भी LLB है, और इसके साथ साथ आपका 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इलेक्शन, इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी आप डिमांड की। बाकी आपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देख लेनी है, और रेगुलर बेसिस पे आपको रखा जाएगा इधर कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर, ठीक है। ऊपर वाली जो है डायरेक्टर लॉ की वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, और ये जो सीनियर लॉ ऑफिसर की है वो रेगुलर बेसिस पे है। और इसमें जो डोमिसाइल रिक्वायर्ड है वो पंजाब का है, और इसमें जो पोस्ट है वो भी एनीवेयर पाकिस्तान है। अब आपको ये कहाँ से मिलेगी और इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो इसका एडवर्टाइजमेंट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ecp.gov.pk पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपने इनकी वेबसाइट सर्च कर लेनी है, जो मैंने आपको बताया है www.ecp.gov.pk। आप जैसे ही इसको सर्च कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे किस तरह से इनका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, किस तरह से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपने 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। वहाँ पर आपने जॉब्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, जो जॉब्स वाला होगा। तो एडवेंटू के लिए आपने 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा जॉब्स वाला, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इनका जो जॉब्स पोर्टल है वो आपके सामने आ जाएगा। तो हम जॉब्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये जॉब्स के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें इनकी जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो हमारे सामने है। तो इसमें जो अवेलेबल पोजीशन है आपके सामने है, ये ECP सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, तो इनकी जानब से वैकेंसीज़ हैं, इस ये वाली पोस्ट अवेलेबल है, तो हमने इधर से इसमें अप्लाई करना है। तो आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये जो तीसरे नंबर वाला है एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टर लॉ और सीनियर लॉ ऑफिसर, इसका आपको जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। बाकी आपने अगर इनकी डिटेल देखनी है तो आपकी जॉब की डिटेल इधर से मिल जाएगी। ये देखने जॉब की डिटेल मिल गई है। तो आपने अब इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। बाकी लास्ट डेट आपकी जो है 15/8/2022 है, एनीवेयर इन पाकिस्तान है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, सैलरी जो होगी एज पर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो आपने बाकी इनकी डिटेल दे देनी है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की डिटेल है आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएगी। हम अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपने इसमें कर देना है रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए आपने रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो अपनी दे देनी है, नेम दे अपना नाम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ दे देना, फादर और ईमेल, फादर का नेम और ईमेल, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे ये रेड स्टार किया गया ये आपने लाजमी से देना है। बाकी जो इनके इंस्ट्रक्शन है उसको आपने लाजमी से फिल करना है। आप जैसे इसको फिल कर देंगे तो आपने आई चेक के ऊपर, कैप्चा चेक के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है, एग्री एंड रजिस्टर नाउ। तो आपकी ये जो रजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद आपने लॉगिन करना है। बाकी जो इनकी डिटेल होंगी वो आपने देने के बाद आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने एडवर्टाइजमेंट में दिए गए इनके जो मुतलका एड्रेस है उसके ऊपर पोस्ट कर देना है उसको, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा आपका वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।